शांति। आज की तारीख है 17/9/23 और आज की ज्ञान मुरली सुनेंगे प्राण प्यारे अव्यक्त मूर्तधारी अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज कोर्स की मुरली 13/12/95 95 की मुरली है, जिसका शीर्षक है व्यर्थ बोल। डिस्टर्ब करने वाले बोल से स्वयं को मुक्त कर बोल की इकोनॉमी करो। मीठे मीठे बाप दादा बोले कि आज बाप दादा चारों ओर की आत्माओं को आप सभी को साथ में देख रहे हैं। चारों ओर के बच्चे आकार रूप से बाप दादा के सामने हैं। डबल सभा, साकारी और आकारी दोनों, कितनी बड़ी सभा है। बाप दादा दोनों सभा के बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि बाप दादा हर बच्चे को विशेष दो रूपों से देख रहे हैं। एक, हर एक बच्चा इस सर्व मनुष्य आत्माओं के पूर्वज और वृक्ष का फाउंडेशन है, क्योंकि जड़ से सारा वृक्ष निकलता है, और दूसरे रूप में पूर्वज बड़े को भी कहते हैं। तो सृष्टि के आदि में आप आत्माओं का ही पार्ट है, इसलिए बड़े ते बड़े हो। इस कारण सर्व आत्माओं के पूर्वज हो। आपके साथ ऊंचे ते ऊंचे बाप की पहली रचना आप ब्राह्मण आत्माएं हो, तो जैसे ऊंचते ऊंच भगवान है, वैसे बड़े ते बड़े पूर्वज आप हो। तो इतने सारे पूर्वज बच्चों को देख बाप हर्षित हो रहे हैं। आप भी हर्षित होते हो कि हम पूर्वज हैं। उसी निश्चय और नशे में रहते हो। तो बाप दादा आज पूर्वजों की सभा को देख रहे हैं। अच्छा, अब याद प्यार सुनेंगे तो मीठे मीठे अव्यक्त बाप दादा याद प्यार देते हुए बोले, चारों ओर की पूर्वज आत्माओं को सदा इस निश्चय और नशे में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप की श्रीमत प्रमाण हर कर्म करने वाले कर्म योगी आत्माओं को सदा दृढ़ संकल्प से बाप के हर कदम पर कदम रखने वाले फॉलो फादर बच्चों को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। डबल विदेशियों को भी डबल नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। वरदान आज का सतगुरु शिव पिता का, लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर घर को मंदिर बनाने वाले आकर्षण मूर्त भव। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि प्रवृत्ति में रहते
घर के वायुमंडल को ऐसा बनाओ जिसमें कोई भी लौकिकता न हो। कोई भी आए तो अनुभव करे कि ये अलौकिक है, लौकिक नहीं, ये साधारण घर नहीं लेकिन क्या है, मंदिर है। ये है पवित्र प्रवृत्ति वालों को सेवा का प्रत्यक्ष स्वरूप। स्थान भी सेवा करे, वायुमंडल भी सेवा करे। वायुमंडल सबको आकर्षित करता है। ऐसे आपके घर से पवित्रता की खुशबू आए तो वह खुशबू स्वतः ही चारों ओर फैलेगी और सभी को आकर्षित करेगी। स्लोगन है, मन बुद्धि को दृढ़ता से एकाग्र कर कमजोरियों को भस्म कर दो, तब कहेंगे सच्चे योगी। अच्छा, ओम शांति।